भाई डॉलर ही डॉलर छापोगे, इसको बोलते हैं भाई क्रिप्टो करेंसी माइनिंग रिग। आप अपने फोन से सारा काम कर सकते हो, कोई लड़का नहीं रखना, खुद इसके ऊपर 24 घंटे नहीं बैठना, सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इंटरनेट स्पीड आपको देनी है। दीपक भाई ये कैसा मजाक चल रहा है, ये छोटी सी मशीन डॉलर छाप के देने वाली है? भैया खटाखट खटाखट नोट छपेंगे फटाफट। क्या बात कर रहे हो सर? भाई सीधा डॉलर निकलेंगे। इस तरीके के डॉलर? बिल्कुल भाई। तो किसके हाथ में आने वाले हैं सर ये डॉलर? भाई डॉलर ही डॉलर छापोगे, इसको बोलते हैं भाई क्रिप्टो करेंसी माइनिंग रिग। जो भी मेरे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो चैनल को वॉच कर रहे हैं, उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भाई मैं दीपक गर्ग बीजीसी माइनर से भाई आज आपको दिखाने वाले हैं भाई क्रिप्टो करेंसी की रेवोल्यूशन, बिटकॉइन माइनिंग रिग। भाई बिटकॉइन आपने बहुत सुना होगा, इथीरियम, बिटकॉइन, डॉजी, तो मेरे बहुत भाइयों ने सुना होगा, इलॉन मस्क भाई का फेवरेट है। तो भाई इसके अंदर से डॉलर छपते कैसे हैं, तो मेरे सारे भाइयों को पहले बता दूं कि भाई ये डॉलर नहीं छपेगा, आपको छपेगा वर्चुअल डॉलर। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भाई, जिसको बोल देते हैं यूएसडीटी। तो आप इस मशीन को अपने घर पे, प्रेमाइसिस पे, कहीं पर भी लगा सकते हो। मशीन की स्टार्टिंग हो जाती है भाई 1,10,000 रुपए से, मशीन आती है अप टिल 40,00,000 रुपए तक। क्या बात है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज वो बता रहा हूं कि 1,10,000 वाली मशीन आपको 15,000 रुपए कमा के देती है। किसी के पास किसी भी तरह का प्रोविजन है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, फ्री बिजली है, सब्सिडाइज बिजली है, तो भाई उनकी चांदी होने वाली है, क्योंकि इस मशीन का रॉ मटेरियल ही बिजली है। किसी के घर पे सोलर लगा हुआ है, किसी के पास वैसे फ्री बिजली है, या एक्स वाई जेड रीजन से, तो भाई आप कमा सकते हो 15,000 रुपए हर महीना 1,10,000 की मशीन को खरीद के मात्र। यानी कि सर इस मशीन को चला के 15,000 तो आ जाएंगे, लेकिन इसको चलाएंगे कैसे? भाई आपको मिलेगा 30 मिनट्स का फ्री क्रैश कोर्स हमारे पास से, इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई 30 मिनट अगर आपको कम लग रहे हैं, 30 मिनट में आप इतने ट्रेन हो जाओगे कि आप दूसरी मशीन खुद कॉन्फिगर कर दोगे। लेकिन सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, इसके लिए तो काफी ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती होगी। भाई इसको एक अनपढ़ भी काम कर सकता है, ठीक है, कोई कम पढ़ा लिखा इंसान, कोई बिल्कुल विलेज का बंदा है, कोई हाउसवाइफ है, भाई इतने कॉम्पैक्ट और इतने सुंदर सुंदर माइनर आ रहे हैं। आपको इन माइनर की, भाई हर माइनर की अपनी एडवांटेजेस हैं और अपनी डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के माइनर्स आप देख सकते हो, इसी से माइनिंग होने वाली है भाई, इन्हीं से माइनिंग होने वाली है। आपको इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मशीन को इंस्टॉल करना है, इंटरनेट देना, पावर देनी है, बाकी सारा काम आपको एक लैपटॉप तक की भी जरूरत नहीं होती भाई, आप अपने फोन से सारा काम कर सकते हो, कोई लड़का नहीं रखना, खुद इसके ऊपर 24 घंटे नहीं बैठना, सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इंटरनेट स्पीड आपको देनी है। सर माइनिंग तो कर लेंगे, लेकिन उसको बेचेंगे कहां पर? भाई बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स बेचते हो, म्यूचुअल फंड्स बेचते हो, उसी तरीके से आप इसको भी बेच सकते हो, नहीं तो जितना माल बनाओगे भाई मुझे भी बेच सकते हो। क्या बात है, मतलब डिजिटली होने वाला है भाई, सारा काम डिजिटली होने वाला है। और मेरे भाइयों के कुछ डाउट्स रहते हैं, मैं उनको क्लियर कर दूं। देखो थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, एक वीडियो मेरे भाई के चैनल पे पहले आ चुकी है, ये दूसरी वीडियो है, थोड़ा सा मैं स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, आप पुरानी वाली वीडियो भी देखना, उसमें बिल्कुल बेयर बेसिक बताया हुआ है हमने। थर्ड वीडियो के अंदर भाई बिल्कुल इन डेप्थ आपको मॉडल्स के साथ समझा दूंगा। आप ये लगा के चलिए कि पर्टिकुलर मॉडल 1,10,000 से स्टार्ट होता है, 2,10,000, 3,20,000, इस तरीके से भाई आप ऊपर बढ़ सकते हो। अगर आपको ऐसा माइनर चाहिए जो ना आवाज करता हो और ना ही ज्यादा बिजली खाता हो, तो भाई वो भी मिल जाएगा आपको 2,65,000 की रेंज में, उसको बोलते हैं गोल्डशेल के बॉक्स, 20,000 रुपए कमा के दे रहा है भाई महीने में, 20,000 महीने के 20,000 रुपए, 8% की आरओआई आपको मिल रही है। देन आता है भाई एएल बॉक्स जो 1,00,000 रुपए कमा के दे रहा है और मात्र 7,00,000 रुपए का माइनर है, बिल्कुल होम माइनर एडिशन है भाई ये, 180 वॉट, 400 वॉट पे चलने वाले। फिर आ जाते हैं भाई हैवी सेगमेंट, जिस तरह से आप ये देख पा रहे हो, ये वाला पर्टिकुलर माइनर आपको माइन करके दे देगा नियर अबाउट 25,000 पे, प्लस इसके अंदर आपकी कुछ एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी वैल्यूज जरूर आएंगी। देन भाई आप पीछे वाला मॉडल है वो आप ले सकते हो, L7 L7 9500 आपको मिल जाएगा, 9500 भाई आपको 65,000 रुपए कमा के दे रहा है और माइनर है मात्र 7,00,000 रुपए का। सर जैसा कि आपने बताया कि 65,000 रुपए कमा के दे रहा है, इसके अंदर सर बिजली का खर्चा कितना हो जाता है? भैया 2,000 यूनिट ये कंज्यूम करेगा, तो अगर हम दिल्ली के हिसाब से लगाएं तो 16,000 रुपए का आपका बिजली का बिल आएगा। क्या बात है, यानी कि बाकी की पूरी बचत होने वाली भाई है। बिल्कुल 100% बचत होने वाली है। बहुत तरीके की मशीन्स आ चुकी हैं, किसी को आवाज से प्रॉब्लम है तो भाई उसकी साइलेंसर किट आ चुकी है, किसी को साइलेंसर किट से भी प्रॉब्लम है तो साइलेंट माइनर आ चुका है,
ठीक है, किसी को बिजली की व्यवस्था नहीं है किसी के पास कि भैया हम नहीं चला सकते, ज्यादा बिजली नहीं कंज्यूम करा सकते, तो भाई 180 वॉट का भी माइनर है आज के टाइम पे। सर एक सवाल उठता है, जैसे कि कोई छोटा मोटा बिजनेस करने का सोच रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहता है 2-2.5 लाख रुपए, वो आपके पास इन्वेस्ट तो कर देता है जी, उसके बाद बात आती है कि उसका कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा? भैया देखो, लॉस आप आज के टाइम पे ये बियर मार्केट में बैठे हो, ठीक है, आपकी मशीन की 90% रीसेल वैल्यू आपको कभी भी मिल जाती है। देखो मशीन को सर पे उठा के बेचने निकलेंगे तो 90% वैल्यू नहीं मिलेगी, बिल्कुल, लेकिन इन केस तो मात्र 10% की डेप्रिसिएशन पे आपकी मशीन वैसे भी सेल आउट हो जाती है भाई, बिल्कुल सर, ठीक है, तो लॉस होने का चांस ही नहीं है, आप एक महीने के बाद लॉस होने का चांस ही नहीं है आपको। सही बात है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, एक नया बिजनेस अगर फाइंड आउट कर रहे हो ना भाई, इसको बनाओ बिजनेस, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपको किसी बंदे को रखने की जरूरत नहीं है, आप साथ के साथ कोई और काम भी कर सकते हो भाई, ये बिल्कुल पैसिव इनकम का सोर्स है, जितने भी अपने क्लाइंट्स हैं सारे इसको पैसिवली चलाते हैं, कोई भी एक्टिवली नहीं चलाता, मेरे हिसाब से कोई 2 महीने में इसको देखने भी नहीं जाता, ये अपने आप ऑटोमेटिकली चलती रहती है। यू विल बी शॉक टू नो कि मेरी रशिया में लगी हुई है भाई मशीन, क्या बात है, 2021 से आप मेरे बीजीसी माइनर के चैनल पे जाना और 2021 में आपको वीडियो दिख जाएगी, वो वाली 2021 में मैं लगा के आया था। भाई अर्निंग जानना तो बनती है अगर आपने ये बात की है तो। अर्निंग अच्छी खासी होती है, 4 गुना कर दिए होंगे हमने पैसे अपने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, और वो भी 6-7 महीने के अंदर। देख सकते हो इस तरीके से सर ने भी अपनी माइनिंग की मशीन्स लगाई हुई हैं, सर सिर्फ बेच ही नहीं रहे आपको, खुद भी इस तरीके से काम कर रहे हैं, इसीलिए वो एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर हो रहा है। बहुत अच्छा आपका एसिक्स माइनर का एक्सपीरियंस रहने वाला है, नई टेक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय निकालो। देखो फोन पे भी आपको कॉल अटेंडेंस मिलेगी मिलेगी, बिल्कुल, सेल्स एजेंट अलाइन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सही में परचेज करनी है और काम को समझना है तो यहां पर आओ। एड्रेस आपको बता रहा हूं, 203 सेकंड फ्लोर कुशल बाजार, बिल्डिंग नंबर 3233, नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली 110019, अंसल टावर 38 की पार्किंग से एंट्री है मेरा भाई, सेकंड नंबर लिफ्ट में दबा देना, ऐसे चढ़ के मत आना, ठीक है। लोकेशन वगैरह सारी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आराम से आप लोग आ पाएंगे। बाकी सर काफी ज्यादा पॉजिटिवली आपको रिप्लाई वगैरह भी करेंगे, और हर एक को रिप्लाई मिलने वाला है जो भी सर को कॉल कर रहा है, नीचे नंबर वगैरह सारी चीजें फ्लैश हो रही हैं। बाकी मशीनरी के बारे में जानना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो लेने की, सिर्फ सोच रहे हो कि एक आइडिया ले लेते हैं, तो भी भाई आराम से आ जाना, वेलकम है, कॉल करो, कोई ऐसा है डब्बा नहीं है, इट्स एन एजुकेशन प्रोसेस, हम भी समझते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो एक एक महीने पहले आते हैं, एक महीने बाद आके क्लोजिंग करके जाते हैं, एक तो कोई इशू नहीं है। एक दो क्वेश्चन और उठते हैं सर, जैसे कि इनकी वारंटी वगैरह की बात कर रहे थे, मशीन की क्या वारंटी होती है? भाई देखो, ये सारी की सारी प्रोडक्ट के अंदर हम एक चिंच भी हम इसको हिला नहीं सकते, जो प्रोडक्ट जैसे आता है हम वैसे ही मंगवाते हैं। okay. आपको बैक एंड से वारंटी मिलती है, प्लस हम 1+2 ईयर्स की वारंटी अपनी ऑफर करते हैं, आपको उसमें वारंटी मैकेनिज्म मिल रहा है, गारंटी मैकेनिज्म नहीं, जितना हमें पीछे से मिलता है हम उतना सपोर्ट आपको आगे एक्सटेंड करते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर मशीन में कुछ भी होता है तो या तो 70% चांसेस है कि मेरा इंजीनियर ठीक कर देगा, लेस 30% चांसेस है जो मशीन अगर नहीं ठीक हो पा रही है उसको चाइना से ठीक करवा के वापस मंगवा के आपको दिया जा सकता है। और सर जैसे कि मशीन की अगर लाइफ की बात कर ले तो क्या लाइफ होती है सर इसकी? दादा देखो, 6 साल तो मुझे हो गए, okay. तो 6 साल नो डाउट रशिया में मैंने चलाई है, बट मेरी रशिया वाली मशीन है सारी मैंने यूज लगाई थी, इंडिया में यूज मशीन इंपोर्ट करना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो रशिया में मैंने यूज लगाई थी, तो आप लगा लो कि वो मशीन है 10 साल का एक्सपीरियंस उसका हो गया, ठीक है, मेरे को 6 साल का हुआ, 4 साल खुद मशीन पुरानी थी, तो 10 साल से वो मशीन बिल्कुल बढ़िया रशिया के एनवायरमेंट में चल रही है, तो इंडियन एनवायरमेंट में भाई 5-6 साल कहीं नहीं छोड़ रही। 5-6 साल आप बोल रहे हैं तो आराम से मतलब कि 7-8 साल खींच जाएगी मशीन, खींच जाएगी, प्लस आप 7-8 साल में खुद इसके अंदर से 5x-6x पैसे कर चुके होंगे, आप खुद नहीं चलाओगे, आप कहोगे भैया इसको बेचो, नई मशीन दो। भैया इंडियन लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई चीज उसको कमा के दे रही है ना तो उसका ख्याल भी अच्छा रखेंगे, उसको कपड़ा मार के रखेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो इस तरीके से देखो जितना इसको प्रोटेक्टेड रखोगे। अपने कुछ क्लाइंट है भाई, वो क्या कहते हैं, कह रहे भैया ये मेरे कमाऊ पुत है, बिल्कुल ये कमाते हैं मेरे लिए, मेरे बच्चे हैं। तो गाइस बहुत अच्छा वेंचर है, ठीक है, किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो वो ऑप्शंस भी अपने पास अवेलेबल हैं। आपको मिनिमम बेस 1,10,000 से मशीन मिल जाती है, नहीं तो आप एक होम माइनर कॉम्पैक्ट एडिशन की तरफ जाओ, 2,65,000 रुपए की मशीन है, और बजट है तो 7 लाख वाली मशीन पे जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होके 1,00,000 घर में डॉलर्स कमाओ। क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।